गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 16B. 5 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइज 550 मीटर इंटू 360 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. बच्चों, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें पाथ आउटसाइड पर था, है ना, अराउंड आउटसाइड या एक्सटर्नल साइड ऑफ द रेक्टेंगल. बट इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट 5 मीटर पाथ इज बिल्ट इनसाइड. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ अ फिगर ऑफ लेंथ 550 मीटर एंड 360 मीटर. सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया, इसके बाद अंदर की साइड हमने इसका पाथ बनाया, इधर से इधर से इधर से, और उसके बीच में हमने एक रेक्टेंगल और बना दिया. ठीक है, तो फर्स्ट वी टेक लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विद पाथ, यानी कि ये पूरी विद पाथ है, यहाँ से यहाँ तक इसका रास्ता भी इसमें ऐड हुआ हुआ है 550 मीटर. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज विद पाथ इज इक्वल टू 360 मीटर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विद पाथ इज इक्वल टू एल इंटू बी. इट मीन्स 550 इंटू 360. इफ वी मल्टीप्लाई 550 बाय द 360, वी गेट 198,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब आप ये देखें कि इसका लेंथ जो है अंदर वाले का, पहले से इधर से भी 5 लेस हो गया, इधर से भी 5 लेस हो गया, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विदाउट पाथ, अब हमें क्या निकालना है, विदाउट पाथ ये 550 माइनस 5 इधर से लेस हो जाएगा, 5 इधर से, तो 5 प्लस 5, 550 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 550 माइनस 10 इज इक्वल टू 540 मीटर. नाउ रिमेनिंग लेंथ आफ्टर द पाथ. ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विद विदाउट पाथ इज इक्वल टू 360. ऐसे ही इसमें से 5 इधर से लेस हो जाएगी, 5 इधर से, तो 5 प्लस 5, 360 माइनस 10 इज इक्वल टू 350 मीटर. बच्चों, जब इनसाइड होता है पाथ तो हम इसमें से लेंथ और जो ये पाथ का जो हमारे पास विड्थ होती है, इसे लेंथ में से माइनस करते हैं और ब्रेथ में से भी माइनस करते हैं. अगर आपको आउटसाइड पर पाथ दिया होता है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ में दोनों में हम पाथ का जो विड्थ होता है उसको हम ऐड करते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस में की हुई थी. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विदाउट पाथ इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी. नाउ एल इज इक्वल टू 540 मीटर एंड बी इज इक्वल टू 350 मीटर. 54 मल्टीप्लाई बाय 35 वी गेट 1890 एंड 2 more 0, तो कितना आ गया बच्चों, 189,000 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विद पाथ माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विदाउट पाथ. तो क्या होगा, 198,000 माइनस 189,000 इज इक्वल टू 9,000 स्क्वायर मीटर, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर. इट इज द एरिया ऑफ पाथ. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 86 सेंटीमीटर. पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, साइड.
तो फर्स्ट वी राइट हेयर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 86 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4, इट मीन्स 86 अपॉन 4, 4 टू ज़ा 8, 4 वन ज़ा 4, 4 फाइव ज़ा 20, तो हाउ मैनी सेंटीमीटर साइड, 21.5 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, 21.5 इंटू 21.5. बच्चों सबसे पहले हम डेसिमल को बिना करे हुए 215 मल्टीप्लाई बाई 215 कर लेते हैं, तो कितना आता है 46225. नाउ बिफोर द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल वन डिजिट, आफ्टर द डेसिमल वन डिजिट, टू डिजिट हमें पीछे से लेनी है, 1 2, और यहाँ पॉइंट लगा देना है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 462.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर?